कई नए प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ भी करेंगे और शिलान्यास भी। इसके अलावा वो लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह अपने बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर इस इलाके की अनदेखी का आरोप लगाया था। आगामी विधानसभा चुनाव 2017 को लेकर बुंदेलखंड में राजनीतिक पार्टियों का वहां पहुंचना, उनके नेताओं का लोगों से मिलना शुरू हो चुका है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में सपा सरकार द्वारा बनाए गए हमीरपुर से जोहलूपुर फोर लेन स्टेट हाईवे 91 का शुभारंभ करेंगे। ये सड़क एशिया की सबसे जर्जर सड़कों में शुमार थी और अब ये देश और प्रदेश की बेहतरीन सड़कों में शामिल हो गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिला मुख्यालय में स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कन्या विद्याधन और कृषक दुर्घटना चेक वितरित करेंगे और श्रमिकों को साइकिल भी बांटेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ एक मुलाकात भी करेंगे। तो राहुल गांधी के पहुंचने के बाद अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी बुंदेलखंड के लोगों की याद आ गई है और बुंदेलखंड में अब लोगों से मिलकर कई नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर वो समस्याओं को सुनेंगे। और ये जो कवायद है ये 2017 के मद्देनजर अब तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 बजे हमीरपुर जिले की सीमा में कार द्वारा प्रवेश करेंगे। जालौन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोलर पीवी पावर प्लांट का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री कालपी में पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। सवाल यही है कि क्या अब बुंदेलखंड के वाकई में अच्छे दिन आने वाले हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश 108 योजनाओं का लोकार्पण और 36 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 2017 के मद्देनजर ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। सपा पेंशनरों को परिचय पत्र भी बांटेंगे सीएम। आवंटित लाभार्थियों को आवास की चाबी देंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अखिलेश का औचक निरीक्षण भी कुछ जगहों पर होगा, ये भी कार्यक्रम में शामिल है। कुछ जगहों पर औचक निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।